हम बनाने जा रहे हैं सेंटा की ड्रेस, जो कि 1 साल से 8 साल की गर्ल के लिए है। तो इसके लिए मैंने वेलवेट का कपड़ा लिया है, रेड कलर का। 2 मीटर कपड़ा इसमें मुझे लगा है, 2 मीटर लिया है मैंने। इसकी इस कपड़े की ब्रीथ 60 इंचेस की है, तो इसमें 2 मीटर में आपकी एक ड्रेस आराम से बन जाएगी। मैंने कपड़े को पहले डबल फोल्ड करके कोन शेप दी है। पहले मैं इसका लोअर पार्ट मैं कट कर लेती हूँ। इसकी वेस्ट जो है मैंने 32 इंच रखी है। बच्चा थोड़ा हेल्दी है तो उसके अकॉर्डिंग मैंने वेस्ट 32 रखी है। वेस्ट 32 का 1/4 होता है ये 8 इंच, तो 8 इंच मैंने इसके ये वेस्ट रखी है। 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है ताकि वो सिलाई में आ जाएगा। तो पहले मैं लोअर पार्ट कट कर लेती हूँ। और लोअर पार्ट की लेंथ मैंने 20 इंचेस रखी है। ये नी लेंथ तक की ड्रेस है, तो मैंने नी लेंथ घुटनों तक की ड्रेस बनाई है। ये लोअर पार्ट मेरा ये रेडी हो चुका है, ये देखिए। इसकी वेस्ट थोड़ी सी मैंने एक्स्ट्रा ली है बिकॉज़ मुझे थोड़ी सी प्लीट्स भी इसमें डालनी है। अब मैं अपर पार्ट कट करूँगी। अपर पार्ट के लिए मैंने ये 4 फोल्ड किया है कपड़ा, और शोल्डर मेरे ये 12 इंचेस है, और आलमोस्ट मैंने 5.5 5.5 इंच रखा है। और वेस्ट और चेस्ट इसमें मेरे ये 32 इंचेस ही है। ये आलमोस्ट मैंने कट कर लिया है। और ये मैं थोड़ा सा बोट नेक बना रही हूँ, इसमें ज़्यादा डीप नहीं रखेंगे, बच्चे की ड्रेस है, थोड़ा सा बोट नेक शेप दी है मैंने। और 2-2 इंच का मैंने मार्जिन रखा है एक्स्ट्रा। अब मैं स्लीव के लिए कट करने जा रही हूँ। ये मैंने डबल फोल्ड कर रखा है, मतलब 2 कपड़े हैं और इसको फोल्ड कर दिया डबल। ऑलमोस्ट मैंने 5.5 रखे थे और इसमें मैं टोटल 6 रखूँगी, 6 इंचेस। और 2 इंच मैं थोड़ा सा अंदर को लेके निशान लगाऊँगी। देखिए एक शेप देते हुए, और ये जो स्लीव्स हैं मेरी, ये मेरी कोने तक की 1/4 स्लीव मैंने रखी है। तो मैं इसे अब कट कर लेती हूँ। थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा कट करूँगी ताकि वो सिलाई में आ जाए, और थोड़ा सा मार्जिन मैं रखूँगी। तो मैं अब कट कर रही हूँ कपड़ा। एक्चुअली कपड़ा थोड़ा सा हैवी है, तो इसे कट करने से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। देखिए मैंने कट कर लिया है। अब दोनों स्लीव्स को मैं अलग कर लेती हूँ। देखिए अब दोनों स्लीव से मैं जो फ्रंट साइड से मैं 1/2 इंच
और कट कर लूँगी। ये देखिए हाफ इंच से थोड़ा सा कम मैंने इसे कट किया है। और ऐसी मैं दूसरी भी कट कर लूंगी। ये देखिए अब मैं जो बॉर्डर पे फर लगाया जाता है अब मैं वो कट करूँगी। इसके लिए मैं 4 इंच का फर कट करने जा रही हूँ। 4 इंच का बॉर्डर लगाऊंगी। बॉर्डर मुझे बॉटम में लगाना है, स्लीव्स में लगाना है और नेक में लगाना है। तो मैं 4 इंच की पट्टी तैयार कर रही हूँ। मार्केट में तो आपको बहुत तरह की ड्रेसें मिल जाती हैं, बट जो घर में आप खुद से बनाते हैं उसका मज़ा ही कुछ और है। मार्केट की ड्रेस की क्वालिटी बहुत ही लो होती है, यूज़ एंड थ्रो टाइप क्वालिटी होती है। बट ये ड्रेस आप नेक्स्ट, आई होप अगर बच्चा ग्रो नहीं कर रहा तो आप नेक्स्ट ईयर भी पहना सकते हैं। स्कर्ट की जो बॉटम लेंथ है मैं उसके अकॉर्डिंग पट्टी कट कर लेती हूँ। बॉटम लेंथ मेरी 104 इंचेस है टोटल, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग पट्टी कट करूँगी। ये थोड़ी सी कम रह गई है, मैं को और कट करनी पड़ेगी। हाँ, अब फ्रंट के लिए भी पट्टी तैयार करनी है मुझे। ये देखिए आप इस तरीके से भी शेप दे सकते हैं, क्योंकि इसके लिए स्ट्रेट पट्टी नहीं लगेगी नेक पे, तो हमें थोड़ा सा राउंड शेप में पट्टी कट करनी है। और ये भी मैं 4-4 इंच की कट कर रही हूँ। ये देखिए और बैक के लिए भी इसी तरीके से मैं कट कर लूँगी। कि दोनों तैयार हो गए हैं। अब मैं बॉटम पार्ट की मतलब स्टिचिंग करने जा रही हूँ। और मैं ये हॉर्स हेयर ब्रेड है जो मैंने अभी आपको दिखाया था, तो इससे थोड़ा सा फ्लो अच्छा होता है बॉटम का, तो ये ज़्यादातर मैं ड्रेस में यूज़ करती हूँ, तो इसको मैं लगा लेती हूँ। फ्लेयर बहुत अच्छा आता है इससे, फिनिशिंग दिखती है और फ्लेयर भी काफ़ी पफीनेस आ जाता है इससे ड्रेस में। ये देखिए ये मैंने लगा ली है और देखिए इससे फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। देखिए अब मैं इसके ऊपर फर लगाऊंगी। मैंने ड्रेस नीचे वाले बॉटम पार्ट को उल्टा रख के नीचे फर लगाया है। पहले मैं नीचे वाले पार्ट से लूँगी, नीचे सिलाई कर लेती हूँ। उल्टा रख के मैंने सिलाई करी है। ये देखिए ये अपर पार्ट है, सीधे साइड। ये देखिए सीधा करके अब दूसरी तरफ से मैं सिलाई लगाऊंगी। ये देखिए इस तरीके से आएगा। देखिए बॉटम में फर रेडी हो चुका है। अब मैं नेक पर लगाऊंगी। नेक पे भी उसी तरह ही लगाना है। मैं पिन लगा देती हूँ ताकि थोड़ा सा हिले नहीं, कि नेक पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है लगाने में। मैं इसे सिलाई लगाऊँ उल्टा करके, मैं फिर से इसमें सिलाई लगा लूँगी अंदर की साइड थोड़ा सा फोल्ड करके।
ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब मैं बैक के भी इसी तरीके से करूँगी। नीचे की सिलाई मैं थोड़ी देर बाद लगाऊंगी जब शोल्डर को अटैच कर दूंगी मैं दोनों। ये देखिए मैंने दोनों तैयार कर लिया, मैं शोल्डर अटैच करूंगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक आप कट कर सकते हैं। ये देखिए शोल्डर भी मैंने स्टिच कर लिया है। अब मैं स्लीव्स में फर लगाऊंगी। ये देखिए ये ऐसे स्लीव्स में भी मैंने लगा लिए हैं फर। ये देखिए दोनों स्लीव रेडी हो गई हैं। अब मैं स्लीव्स अटैच कर लूँगी। ये देखिए स्लीव्स ही मैंने अटैच कर ली है। अब मैं साइड से सिलाई लगा लूँगी इस तरीके से। ये देखिए अपर पार्ट बनके रेडी हो गया है। अब मैं बॉटम और अपर दोनों स्टिच कर दूंगी। पहले मैं बॉटम की साइड से सिलाई कर दूंगी। जो साइड ओपन है वो साइड मुझे स्टिच करनी है। अब मैं बॉटम और अपर दोनों को स्टिच करूंगी। ये वेस्ट जो मैंने एक्स्ट्रा कट किया था मैं बीच बीच में प्लीट्स डाल के इसको स्टिच करूंगी। ये देखिए ये देखिए प्लीट्स इस तरीके से दो तीन प्लीट्स मुझे डालनी है। ड्रेस रेडी हो चुकी है। अब आगे के डिज़ाइन बनाने के लिए बटन की शेप देने के लिए मैं फ़र का यूज़ करूँगी। वाइट फर जो बॉर्डर में यूज़ करा है हमने, उसको राउंड शेप में ऐसे इस तरीके से कट कर लूँगी और इसे मैं सुई की मदद से सिलूँगी। ये देखिए ड्रेस बन के रेडी हो गई है। ये देखिए कितनी प्यारी ड्रेस बनी है। अब मैं कैप के लिए कैप रेडी करेंगे। कैप के लिए मैंने जो वेस्ट बचा हुआ कपड़ा था उसी कैप में 25 इंच की रख रही हूँ। तो लेंथ 25 में एक कोन शेप बनाएंगे और उसकी कैप की लेंथ मैं 25 इंच रखूँगी। और बच्चे का आप फोरहेड से बैक तक का नाप ले लीजिएगा, जितना भी है उसका आधा आप रखिएगा। मेरा 20 इंचेस था तो मैंने 10 लिया है उसका आधा और मैंने ये शेप कट कर दी है। कौन शेप कट करनी है हमें, ये देखिए ये ऐसे आपको शेप कट करनी है और यहाँ पे पट्टी लगानी है। और इसके लिए मुझे फर कट करना होगा तो इसमें भी मैं 4 इंच का फर कट करूँगी 20 इंचेस का, क्योंकि फोरहेड से बैक तक की 20 इंचेस की लेंथ है। कैप बनाना बहुत ही इजी है। ये देखिए ऐसे मुझे स्टिच करना है। पट्टी लगाने के बाद हमें साइड से सिलाई करनी है और आपकी कैप रेडी हो जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो मेरा हेल्पफुल लगा हो। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ड्रेस कैसी लगी।